ये पिक्चर, ये एक पिक्चर सनराइजर्स के पूरे डाउनफॉल को समराइज करता है। नमस्ते एंड वेलकम टू द रिटेंशन एंड ऑक्शन स्ट्रैटेजी वीडियो ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद। एक अच्छा इंडियन कोर और कमाल की बॉलिंग होने के बावजूद इस टीम के पिछले 3 साल के परफॉर्मेंसेज हैं 8 टीमों में लास्ट, 10 टीमों में 8 और फिर 10 टीमों में आखिरी। एक दौर था जब इस टीम के ओवरसीज प्लेयर हुआ करते थे डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन और राशिद खान। उसके अलावा शिखर धवन भी इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं। मगर इस टीम की सबसे बड़ी मुसीबत है खुद इस टीम की ओनरशिप और मैनेजमेंट। इतने वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी होने के बावजूद ये टीम किसी को अपने साथ नहीं रख सकी। 2022 के मेगा ऑक्शन में इस टीम ने सिर्फ 3 खिलाड़ी को रिटेन किया था, जिसमें से 2 थे अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स और 1 केन विलियमसन, जिनको भी इन्होंने अगले साल रिलीज कर दिया। ऐसे में इस टीम ने अपने आप को रीमॉड्यूल किया है, नया एक्सप्लोजिव टैलेंट लाया है, एडन मार्करम को कप्तानी दी है, उसके अलावा हेनरिक क्लासन, ग्लेन फिलिप्स जैसे अग्रेसिव मिडल ऑर्डर प्लेयर को भी लेके आए हैं और गेंदबाजी से मार्को यानसन को ग्रूम किया है। इस टीम के पास एक अच्छा इंडियन कोर भी है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाले ओवरसीज प्लेयर्स भी हैं। इसके बाद भी पिछले साल लास्ट फिनिश करने के बाद 19 दिसंबर को ये टीम क्या स्ट्रैटेजी लेके ऑक्शन टेबल पे उतरेगी, उसका लगाएंगे एक अनुमान। वीडियो शुरू करने से पहले मोदी जी बोलिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब कर दिया हो तो इस टीम के ट्रेड न्यूज़ पर नज़र डालते हैं। सिर्फ एक ट्रेड किया है, मयंक डागर को आरसीबी भेजा है और शहबाज अहमद आए हैं एसआरएच। शहबाज एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं और बैटिंग भी करते हैं, मतलब ये वॉशिंगटन सुंदर के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हैं, जो कि इंजरी से काफ़ी परेशान रहते हैं। रिटेंशन लिस्ट देखे तो ज़्यादा रूम है नहीं इनके स्क्वाड में शॉपिंग के लिए, लेकिन हैरी ब्रुक को रिलीज करने से एक बहुत हेफ्टी पर्स के साथ आएगी ये टीम। अपने कोर को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया है और सिर्फ बेंच स्ट्रेंथ को रिलीज करके 34 करोड़ का पर्स ले लिया है, मतलब जिस प्लेयर को लेने ये टीम आएगी उसको तो लेके ही जाएगी। ऐसे में जो सबसे पहला नाम जहन में आता है वो है ट्रैविस हेड का। लास्ट ईयर ये टीम ओपनर्स के साथ स्ट्रगल कर रही थी, अभिषेक शर्मा के अलावा कोई सॉलिडिटी नहीं दे रहा था। मयंक अग्रवाल ने तो डिसअपॉइंट किया ही, लेकिन हैरी ब्रुक को मैनेजमेंट ने ज़्यादा लंबी रस्सी नहीं दी। नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी का भी एक भुला देने वाला सीजन रहा था। ऐसे में ये टीम ट्रैविस हेड और रचिन रविंद्रा में से किसी को लेना चाहेगी। इस टीम के पास एक बहुत अच्छा ओवरसीज मिडिल ऑर्डर है विद द लाइक्स ऑफ कैप्टन एडन मार्करम, हेनरिक क्लासन एंड ग्लेन फिलिप्स, तो इनको मिडिल ऑर्डर में किसी को साइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर यानी फिनिशर्स को लेने में इनकी दिलचस्पी होगी। एक इंडियन पावर हिटर यानी शाहरुख खान। शाहरुख के पीछे ये टीम उसी तरह जा सकती है जिस तरह उन्होंने 13 करोड़ में हैरी ब्रुक को लिया था। इनका इंडियन फास्ट बॉलिंग कंटिंजेंट बहुत अच्छा है। भुवनेश्वर कुमार, थंगरसु नटराजन और उमरान मलिक की मौजूदगी में इस टीम को ज़्यादा फास्ट बॉलिंग तलाशने की ज़रूरत नहीं है। ओवरसीज फास्ट बॉलर्स में मार्को यानसन तो लगभग हर मैच खेलेंगे और फजल हक फारूकी भी एक अच्छे गेंदबाज हैं, तो ये टीम ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग ना करे तो ही बेहतर है। ऑफ स्पिन के विकल्प हैं इनके पास अभिषेक शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर और शहबाज अहमद, लेकिन लेग स्पिनर इनके पास सिर्फ मयंक मारकंडे हैं, तो शायद ये टीम वानिंदो हसरंगा के लिए जाए। अगर स्पिनिंग ऑलराउंडर चाहिए तो ट्रैविस हेड और रचिन रविंद्र भी ऑप्शंस हैं। उसके अलावा माइकल ब्रेसवेल लोअर मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग देते हैं। अफगानिस्तान के मोहम्मद नाबी भी एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, पावर हिटर भी हैं और हर मैच में 2 से 3 ओवर भी देंगे। शाकिब अल हसन इस लिस्ट में सबसे पहला नाम होने चाहिए, क्योंकि मॉडर्न एरा के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स में शुमार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं। ऑल इन ऑल इस टीम के पास पैसे बहुत हैं, टीम भी बहुत अच्छी है, लेकिन इस टीम के साथ एक नेगेटिविटी सी भी आती है, क्योंकि इनकी बोर्ड की हिस्ट्री ऐसी रही है। अब ये ओनर्स हैं या मैनेजमेंट जिसको चेंज होना चाहिए ये तो नहीं मालूम, लेकिन अगर इस टीम के खिलाड़ियों को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तब शायद इस बार भी ये टीम प्लेऑफ्स के आसपास ना दिखाई दे। आप बताइए कि आप किस खिलाड़ी को एसआरएच में खेलते देखना चाहेंगे, कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, विच इज़ मुंबई इंडियंस।